कुछ अच्छे मेंटर्स भी मिले गए। स्टार्टिंग यहाँ पे गोपाल सर ने करी, गोपाल कौशिक सर जी, उन्होंने सही गाइडेंस दी और सही डायरेक्शंस दिखाई, जिससे मैंने अपनी कोचिंग अच्छे से स्टार्ट करी। उसके बाद जोनी सर और गुरिंदर पाल सर, उन्होंने बहुत अच्छी गाइडेंस दी, जिसके थ्रू मैंने बहुत अच्छे से स्टडी करी। और घर वालों का हमेशा साथ रहा, आशीर्वाद रहा, अपने भगवान जी का सबका आशीर्वाद रहा, उसके कारण बहुत अच्छी जर्नी रही और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम्स आराम से निकल गए, कोई इतनी दिक्कत नहीं हुई एग्ज़ाम निकालते हुए। तो शुरू से अगर स्कूली टाइम से बात करें तो किस तरह की आपकी स्टडी रही, कौन कौन से स्कूल में आपने स्टडी की, कितने मार्क्स रहे, परसेंटेज कितनी रही? मैंने सारी स्टडी अपनी महाराजा अग्रसेन स्कूल से की, अपनी स्टार्टिंग से लेकर प्लस टू तक। प्लस टू में मेरे 88% आए थे और टेंथ में मेरे 91% आए थे। तब तक मैंने प्लस टू में सोच लिया था कि मुझे जज की ही स्टडी करनी है, आगे जज की ही पोस्ट लेनी है। तो उसके बाद मैंने अपनी लॉ के अंदर फील्ड चूज़ कर ली और तभी से मैंने जज की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। लास्ट ईयर में आते आते मैंने पूरी तरह से जज की तैयारी स्टार्ट कर दी थी और अब 2 साल हो गए हैं मुझे अपनी ग्रेजुएशन कम्प्लीट किए। उससे मैंने अपनी LLM भी कर ली और साथ में एग्ज़ाम्स भी क्रैक कर दिए। तो LLB और LLM आपने कहाँ से? दोनों ही मैंने IP यूनिवर्सिटी से करी, अपने चंद्र प्रभु जैन कॉलेज से करी, दिल्ली के अंदर है दोनों, तो वहीं से मैंने अपनी LLB और LLM दोनों वहीं से कम्प्लीट। तो LLB LLM करने से पहले से ही आपका मन बन चुका था कि आपने जज बनना है? जी हाँ जी, मैंने लॉ की फील्ड ही जज के लिए की। मैंने हमेशा सोचा था मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी है कोर्ट के अंदर, अगर जज बन जाऊँगा तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो कोई और, मतलब लॉ है तो जज है बस। तो अब आपने जो एम है वो पूरा कर लिया, अपना टेस्ट क्लियर कर लिया, तो किस तरह से फील करते हैं और परिवार किस तरह से आपको प्राउड महसूस करता है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, सपना ही था ये एक, कि पता भी था कि पूरा होगा नहीं होगा, हमेशा यही लगता था क्या होगा, तो आज हो गया। यकीन तो हो नहीं रहा अभी कि हो गया, बस हो गया, अब एकदम से रिजल्ट आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है, घर वालों को प्राउड फील करा के, घर वाले बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है, बस आगे भी ये खुशी बनी रहे और अब फ्री है, टेंशन फ्री है। जज बनने के बाद आगे आपका क्या लक्ष्य रहेगा? लक्ष्य अब यही है कि सोसाइटी को सर्व करना है, जस्टिस सबको न्याय देना है, किसी को भी किसी के साथ गलत नहीं करना। हमेशा से घर वालों ने यही शिक्षा दी है कि किसी के साथ गलत नहीं करना, उसी कारण मुझे लॉ में इंटरेस्ट आया कि सबको न्याय देना है। तो अब जज बन गए हैं तो यही एक है कि किसी के साथ कुछ बुरा ना हो, सबको न्याय मिले। श्रेय घर वालों को ही है, श्रेय तो उन्हीं के कारण, दादाजी जो पितर देवता हैं, अपने दादाजी का ही सपना था सबसे पहले कि जज बने लड़का, पोता जज बने, तो उन्हीं के कारण मैंने अपनी लॉ की फील्ड चूज़ करी, उन्हीं को सारा श्रेय जाता है, पितर देवताओं का और घर वालों का आशीर्वाद, बस इन्हीं को सबका श्रेय है और इन्हीं के कारण आज मैं यहाँ पे हूँ। और जो युवा स्टडी कर रहे हैं उनको आप क्या संदेश देंगे, किस तरह से तैयारी करें ताकि वो भी सफलता प्राप्त कर सकें? सफलता का कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है, बस आपकी लगन जरूरी है, पढ़ाई करते रहो अच्छे से, लगन से करो, कुछ भी फिक्स आर्स नहीं है कि आपको दिन में इतने देर पढ़ना है, इतना है, अपना अच्छे से पढ़ो, उस चीज़ को समझो, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है अपना, उसमें बस लगे रहो। एक गाइडेंस की, एक मेंटर की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गलत पढ़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप सही डायरेक्शन में पढ़ाई करोगे तो ज़रूर सफलता आपके हाथ में आएगी। कभी कोई ऐसी मुश्किल की घड़ी भी आई जब आपको स्टडी करते टाइम ये लगा कि मैं ये टेस्ट क्रैक नहीं कर पाऊँगा या नहीं बन पाऊँगा? ये तो हर टाइम ही रहता है, जब भी एग्ज़ाम्स आते हैं किसी को नहीं पता होता कि क्रैक हो ही जाएगा, हर एग्ज़ाम चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो चाहे इंटरव्यू, हर टाइम ये लगता है होगा नहीं होगा, डर तो आता ही है, पर वो डर से साइड करके अपनी बस तैयारी पे ध्यान दो और मत सोचो कितने और स्टूडेंट्स हैं अपने सामने, बस मैं ही हूँ और मुझे सामने पेपर आएगा और मुझे वो पेपर लिखना है, बस इतना ही ध्यान दो और तभी होता है। और स्टूडेंट्स का सोचोगे तो डर आ जाता है, तो वो डर में रह जाते हैं। ठीक है, मैं बहुत खुशी हुई जी, मेरा पोता जज बन गया, आपके दादाजी का नाम रोशन कर दिया इसने, बस मैं जितना ही कहूँगी बस। तो किस तरह की आप आगे उसको जज बनने के बाद किस तरह से वो समाज की सेवा करे, क्या उसको शिक्षा देंगे? बहुत सेवा तो खूब करेगा, सब परिवार शुद्ध ही, हमारा आज्ञाकारी बच्चा है, सब परिवार आज शादी करने की भावना है, बस मेरी तो यही खुशी है, बस शादी और करो इसकी बस। बहुत खुशी हो रही है जी, पाँव जमीन पर नहीं पड़ रहे जी, बहुत खुशी हो रही है जी, सपना साकार हो गया जी। तो आपने सोचा था कि कभी आपका बेटा जज बनेगा? बिल्कुल बिल्कुल, एम यही लेके चले थे जी, बेटा जज बने। तो आज आप एम में सफल हो गए, किस तरह से बेटे को आशीर्वाद? नहीं नहीं, बहुत आशीर्वाद है ऊपर वाले का, सबका, भाइयों का आशीर्वाद है सभी का। देखिए आज हम सभी अग्रवाल सभा सिरसा की तरफ से हम सभी साथी सिंगला परिवार के घर आए हैं और उमेश को, इनके पिताजी राजकुमार जी, पूरन जी, पूरे समस्त परिवार को बहुत बहुत बधाई देते हैं भी, इस बच्चे ने ना सिर्फ समाज का बल्कि पूरे सिरसा का नाम रोशन किया है
और इसके लिए सिंगला परिवार को बहुत बहुत बधाई और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं व्यक्तिगत रूप से राजकुमार जी और पूरन जी से काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे मित्र हैं, और इनके जैसा शरीफ परिवार और सबसे बड़ी बात हर बच्चा आज्ञाकारी, घर में कहाँ मानने वाले, पढ़ने वाले, बहुत ही सौम्य और सुशील स्वभाव के पूरा परिवार है। और मैं इस परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आज इनका सपना साकार हुआ है और बच्चे ने अपना नाम रोशन किया है। मेरा बच्चा बहुत मेहनत करता था, सारा दिन पढ़ाई करता था, हर किसी का कहना मानना, इसने कभी किसी गलत काम नहीं किया, जो इसकी इच्छा थी आज भगवान ने पूरी कर दी। तो आपका क्या सहयोग रहा उसमें बेटे को, किस तरह से आपने प्रेरित किया, मोटिवेट किया लगातार? मैंने तो कोई मोटिवेट नहीं किया, भगवान की इच्छा है, जो भगवान ने किया वो हो गया, भगवान की कृपा से मेरा बेटा जज बन गया। आज मैं बहुत खुश हूँ।